स्टूडेंट वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल चैनल सो आज के वीडियो के अंदर हम अपने लिंग्विस्टिक सीरीज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इस सीरीज के लिए जिस बुक को यूज किया उसका नाम है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल इसका जो है फर्स्ट पार्ट फर्स्ट चैप्टर द ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज हम अपने पिछले वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल सकती है इस वीडियो के अंदर हम इसका सेकंड चैप्टर एनिमल्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज को कवर करेंगे सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को वीडियो को कम्पलीटली एंड तक वॉच कीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाज करें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन चीजें जो कि हमें जरूरी हैं देखना वो क्या है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इसका लिंग्विस्टिक जिसमें भी हम लैंग्वेज की जो साइंटिफिक स्टडी हम जिसमें कर रहे हैं वो हमारी जो मेन एरिया है वो है लिंग्विस्टिक और उसके बाद अगर हम देखें लिंग्विस्टिक की मेन ब्रांचेज जो कि फोनेटिक्स फोनोलॉजी मॉर्फोलॉजी सिंटेक्स हमेंटिक्स प्रथमेटिक्स और उसके बाद सब मेन ब्रांचेज जो है सोशल लिंग्विस्टिक अपलाइड लिंग्विस्टिक हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक लैंग्वेज एक्सिशन सिकल लिंग्विस्ट कम्पिटेशनल लिंग्विस्टिक ये सारी की सारी हम जो है अपनी इसी बुक के अंदर जो आगे के चैप्टर्स हैं उनके अंदर कवर करेंगे सो so भी अपने चैप्टर के अंदर मूव करते हैं जिसका एनिमल्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज इस चैप्टर के अंदर जो जॉर्ज ने, ने मेन एरियाज कवर किए हैं वो क्या है के इसके अंदर उनको देखते हैं कि जो बाकी जो क्रिएटर्स हैं ह्यूमन लैंग्वेज के अलावा ह्यूमन बींगस के अलावा वो भी क्या इसी तरीके से प्रॉपर वे के अंदर कम्युनिकेट कर सकती हैं जिस तरीके से ह्यूमन बींग जो है लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपने कम्युनिकेशन करते हैं उसके अलावा हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं ह्यूमन बींग के पास जो कि उसको यूनिक एंड डिफरेंट बनाते हैं कम्युनिकेशन वे के अंदर जो कि जो अदर स्पेशीज हैं याद अदर क्रिएटर्स हैं उनसे तो ये सारी सारी चीज़ें हम आज के इस चैप्टर एनिमल्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर कवर करेंगे हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है विद द सिग्नल्स कम्युनिकेटिव एंड इनफॉर्मेटिव सिग्नल्स कम्युनिकेटिव एंड इनफॉर्मेटिव सिग्नल सिग्नल्स की अगर हम बात करें सिग्नल्स को हमने डिवाइड किया दो चीज़ों में कम्युनिकेटिव एंड इनफॉर्मेटिव सिग्नल्स में हम क्या करते हैं कोई भी हम अपने जो इन्फॉर्मेशन अगर हमें कम्युनिकेशन करना कर, करना होते हैं तो उसमें हम अपने सिग्नल्स को यूज़ करते हैं जिस तरीके से साइंस हो गई हमारी जो कि हमें सिग्नल्स बता रही होती हैं या फिर रोड पर हमें जो लाइट्स मौजूद होती हैं ट्रैफिक लाइट्स वो भी हमें सिग्नल्स दे रही होती हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें किस लाइट पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है तो ये हमारे कम्युनिकेटिव uh, सिग्नल्स के अंदर आ जाते हैं इसी तरीके से हम इन्फॉर्मेटिव सिग्नल्स की बात करें तो ये सिग्नल्स सिग्नल्स के सब टाइप्स हैं signals को अगर हम देखें दो चीजों में डिवाइड किया गया है इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स कम्युनिकेटिव सिग्नल्स इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स के अंदर हमारे जो सिग्नल्स होते हैं अन इंटेंशनली जो है पहुंच रहे होते हैं लेकिन कम्युनिकेटिव सिग्नल्स के अंदर हम जो है इंटेंशनली जो है सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रॉपर जो है इंटेंशनली वे के अंदर इसने कर रहे होते हैं कि हमारे पता चल जाए कि हमें जो है कोल्ड लगी है या फिर अगर कोई बंदा जो है डिस्टर्ब होता है तो वो जा, बहुत ज्यादा अगर हम देखें वो एक ईज में नहीं होता तो वो जो है अपने जो सिटिंग है वो बार बार जो है चेंज करता रहता है शिफ्टिंग अराउंड डिस वे के अंदर वो जो है मूव करता है तो इसका क्या मतलब होता है कि पर्सन इज नॉट इन ईज तो ये एक ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि हम ह्यूमन बींग के जेस्टर्स को देखते हुए समझ आते हैं और ये सारे के सारे किस में आएंगे इन्फॉर्मेटिव सिग्नल्स के अंदर जहां पे हम जो सिग्नल्स दे रहे हैं अन इंटेंशनल वे के अंदर कम्युनिकेटिव सिग्नल्स अगर हम बात करें तो जैसे रोड साइंस हो गई रोड लाइट्स हो गई या फिर डिफरेंट साइंस हमें डिफरेंट दे रही होती है कम्युनिकेशन के तो वो सारे के सारे हमारे किस में आ गए कम्युनिकेटिव सिग्नल्स के अंदर आ गए ह्यूमन बींगस के अंदर हम देखें तो कोई भी एक पर्सन है या वो जो है किसी चीज के अबाउट इन्फॉर्म कर रहा है तो वो हमारा कम्युनिकेटिव सिग्नल्स के अंदर जाएगा जिस तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल है भी है वह क्यूज नेक्स्ट वीक यहाँ पर आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक आपका जो है क्यूज़ है सो इसमें ये हमारा एक इंटेंशनली जो है आपको इन्फॉर्म uh, किया गया है एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें तो एनिमल्स जो है ज़्यादातर अगर हम पैरेट की बात करें तो अगर उसके पास से कैट गुजरेगी तो वो एक बहुत ही तेज आवाज से uh, बोलना शुरू करेगा तो वो एक इंटेंशनली सिग्नल दे रहा होता है जिसको हमें स्पेसिफिक हमें पता होता है कि ये जो है एक डेंजर सिग्नल है तो ये सारे के सारे हमारे किस्में जाएंगे कम्युनिकेटिव सिग्नल्स के अंदर ठीक है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस बुक का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज सिग्नल्स की हमने बात कर ली दो टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं इन्फॉर्मेटिव एंड कम्युनिकेटिव अब हम लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं ह्यूमन लैंग्वेज के पास जो कि उसे दूसरे क्रिएचर से मुख्तफ बनाती है इन कम्युनिकेशन सेंस के अंदर ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज अगर हम देखें तो वो हमारी सिक्स पार्ट्स में डिवाइड है जिसके अंदर हम देखें डिस्प्लेसमेंट आर्बिट्रीनेस प्रोडक्टिविटी कल्चरल ट्रांसमिशन डिस्क्रीटनेस एंड डिअलिटी ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसके पास होती हैं ह्यूमन बींग्स के पास मौजूद होती है और हम इन्हीं क्वालिटीज़ को इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जो है एनिमल सेंस में भी देखेंगे कि एनिमल लैंग्वेज के अंदर ये प्रॉपर्टीज मौजूद है या नहीं है या किस तरीके से जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं वन बाई वन हम हर एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारी जो प्रॉपर्टी आती है वो है डिस्प्लेसमेंट की डिसप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन बींगस जो है वो अपनी लैंग्वेज के अंदर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम्स को मैंशन कर सकते हैं इसलिए हम अगर एक ह्यूमन बींग है वो प्रेजेंट के अंदर रहते हुए पास्ट की बात कर सकता है वो प्रेजेंट के अंदर रहते हुए फ्यूचर की भी बात कर सकता है लेकिन अगर हम एनिमल्स कम्युनिकेशन देखें तो एनिमल्स हैं इस कैपेबल नहीं होते कि वो प्रेजेंट टाइम के अंदर रहते हुए वो पास्ट या फिर फ्यूचर के जो है कुछ कम्युनिकेट कर सकें ये सिर्फ कैपेबिलिटी किसके पास है ह्यूमन बींग्स के पास है ठीक है सो हम इसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग है वो ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात कर सकता है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं जो कि हम जिसमें हमें बिलीव होता है लेकिन वो जो है इन रियल वर्ल्ड या इन रियल सेंसेस में ह्यूमन बींग्स ने नहीं देखी होती जैसे किसी एंजल्स फेरीज सुपरमैन सेंटा हैविन है तो डिसप्लेसमेंट so, अगर हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो क्या है डिसप्लेसमेंट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज एक ऐसी ह्यूमन लैंग्वेज प्रॉपर्टी है दट अलाउ लैंग्वेज यूजर जो कि लैंग्वेज यूजर्स को अलाउ करती है टू टॉक अबाउट थिंग्स एंड इवेंट्स नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट मोमेंट ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करने के ऊपर जो कि सिर्फ प्रेजेंट में ही नहीं हो या फिर जो है वो मुकर

नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अगर हम देखें आर्बिटेरस इन ह्यूमन लैंग्वेज आर्बिटेरस क्या होता है कि देर इज नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड इट्स मीनिंग किसी भी लिंग्विस्टिक फॉर्म का कनेक्शन नहीं होता है उसकी मीनिंग से ठीक है अब लिंग्विस्टिक फॉर्म में हम अगर कोई भी वर्ड बोल रहे हैं तो उसके वो वर्ड को सुनते ही हमें ये सेंसेस नहीं आते कि इसका जो मीनिंग होगी वो बस यही होगी ठीक है एक डायरेक्ट हमें मीनिंग मिल जाए तो ये इसमें जस्ट हमें यही बताया गया है कि आर्बिटेरनस के अंदर जो है कनेक्शन जो है लिंग्विस्टिक फॉर्म का वो उसकी मीनिंग के साथ नहीं होता है द रिलेशन बिटवीन लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट ऑब्शन इस टू इज आर्बिटरी डॉग इन इंग्लिश एंड कल्प इन अरेबिक ठीक है तो हम uh, देख, देखें तो जो वर्ड है डॉग वो हमें एक प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो वर्ड हमने फॉर्म यूज की है वो सेम के सेम वही होगी या उसकी मीनिंग जो है हमें वही मिलेगी ठीक है तो ऑर्बिटेरी के अंदर हमें ये मीनिंग मिलती है देर साउंड ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्शन लेसबिटेटोपोय की बात पर हो रही है अनोमोटो जो है हम नेचुरल साउंड्स को इमिटेट करते हैं और फिर जो है अपने जो स्पीच होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं तो ऑनोमोटो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि लेस आर्बिटेरी होते हैं जिस तरीके से अगर हम देखें कोई भी एक ऊपर से चीज गिरती है तो एक बहुत जोरदार आवाज आते हैं जिसका जिसको हम साउंड ऐसा साउंड होता है बैंग ठीक है तो वो साउंड अगर हम सुनते हैं तो हमें एक प्रॉपर एक सेंस मिलता है या हमें एक मीनिंग मिलती है कि एक बहुत ही कोई जोरदार या एक बड़ी चीज जो है ऊपर से गिरी है तो एक जो साउंड हमें मिलता है वो एक मीनिंग हमें प्रोवाइड कर रहा होता है तो ओनोमेटिक साउंड जो होते हैं वो लेस आर्बिटेरी कंसिडर किए जाते हैं अनोमोटो के अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें द यूज ऑफ वर्ड्स दैट साउंड्स लाइक द थिंग्स दे आर डिस्क्राइबिंग हिस एंड बूम अनोमोटो जस्ट एन इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड किसी भी नेचुरल साउंड के अगर हम इमिटेशन करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी अनोमोटो पॉय के लिए जैसे किसी कोई भी साउंड जो है डिस्क्राइब करा है हिस एंड बुम ये हमारे जो है नेचुरल साउंड में आएंगे अनोमोटो वर्ड्स आर रिलेटिवली रेयर इन ह्यूमन लैंग्वेज अगर हम अब इसी को एनिमल uh, कम्युनिकेशन के अंदर देखें एनिमल कम्युनिकेशन में हम देखते हैं देर इज अ कनेक्शन बिटवीन द कन्वेड मैसेज एंड द साइन यूज टू कन्वे इट ठीक है तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी उनका जो कम्युनिकेटिव वे होता है उसके अंदर जो भी वो मैसेज प्रोवाइड कर रहे थे तो उनका जो सिग्नल्स होते हैं उसमें कोई भी एक हमें प्रॉपर मैसेज मिलेगा ठीक है तो वो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनके पास एक फिक्स सिग्नल्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू जो है उनका वो सिग्नल हमें जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि ये हमें फॉरन सेंस मिल जाता है कि इस सिग्नल का मतलब जो है यही है जो भी सिग्नल जो है एनिमल्स यूज करते हैं तो एक कनेक्शन इनके पास मौजूद होता है कन्वेड मैसेज के अंदर जिसमें जो भी सिग्नल्स हम यूज करते हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए कंसिस्ट ऑफ अ एंड लिमिटेड सेट ऑफ वोकल और जैस्ट्रल फॉर्म एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो कंसिस्ट करते हैं फिक्स और लिमिटेड सेट्स होते हैं उनके पास वो जेस्ट्रल फॉर्म जो है फिक्स होती है उनके पास कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए उनके पास फिक्स एंड लिमिटेड सेट ऑफ वोकल कोर्स होते हैं जेस्ट्रल फॉर्म्स होती हैं जिसके थ्रू अपने कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं मेनी आर ओनली यूज इन स्पेसिफिक सिचुएशन और पर्टिकुलर टाइम जो कि मोस्टली जो है किसी भी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर टाइम्स में यूज होती हैं ठीक है थेके? उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलिटी की तरफ मूव करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी इन ह्यूमन लैंग्वेज प्रोडक्टिविटी अगर हम बात करें क्रिएटिविटी में भी आ जाएगा, and, and के आ जाएगा जाएगा ओपन कि एक चीज से लेके जो है डिफरेंट चीजें अगर बना ली जाए वो हमारी किस चीज में आएगा प्रोडक्टिविटी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि वर्ड्स से लेकर जो है डिफरेंट वर्ड्स बना ले जाए हम आ, किस में यूज करेंगे प्रोडक्टिविटी में द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूम टू कंटिन्यूली क्रिएट न्यू एक्सप्रेशन एंड अटरनेस टू डिस्क्राइब न्यू ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन के वो सारी के सारी किस में आ जाएंगे प्रोडक्टिविटी की एक ह्यूमन बींग जो है एक बात तो बहुत सारे वे के थ्रू जो है समझा सकते हैं वो कोई एक फिक्स उनके पास कम्युनिकेटिव सिग्नल्स या कम्युनिकेटिव जेस्टर्स नहीं होते जो कि अगर उनको बात को पहुँचानी है तो वो सिर्फ वही जेस्टर्स या वही वो वोकल फोर्स यूज करेंगे बल्कि वो जो है डिफरेंट वे के थ्रू जो है अपनी बात को लिसनर्स तक समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टिविटी द नंबर ऑफ अट्रेंस एनी ह्यूमन लैंग्वेज इज इनफाइनाइट ठीक है any, any infinite, तो उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी इन एनिमल्स तो हमने ऊपर बात की कि उनके पास एनिमल्स के पास एक फिक्स सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो जो है एक सिग्नल्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट सिग्नल्स बना सकें या डिफरेंट लैंग्वेज um, को अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए डिफरेंट साइंस यूज कर सके ये एनिमल्स नहीं कर सकते हैं जस्ट ह्यूमन बींग की ये क्वालिटी है कि वो एक वे को डिफरेंट वे के अंदर यूज करके अपनी जो है मे ए की बात को डिफरेंट पे से पहुंचा सकता है कम्युनिकेटिव सिग्नल्स ऑफ द अदर क्रिएटर्स डू नॉट हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी जो दूसरी क्रिएटर्स है उनके पास ये प्रोडक्टिविटी नहीं होती है दे हैव अ लिमिटेड सेट ऑफ सिग्नल्स टू चूज़ फ्रॉम फिक्स रेफरेंस उनके पास जो है कुछ लिमिटेड सिग्नल्स होते हैं और जो कि उनके फिक्सड रेफरेंसेस कहलाते हैं कुछ एक खास uh, उनके पास वोकल फोर्स या फिर वोकल जेस्टर्स मौजूद होते हैं जो कि वो अपने स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर यूज करते हैं इट सिग्नल इन द सिस्टम इज इज रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड ओकेजन जिस तरीके से अगर हम रोबोट की बात करें या हम मशीन्स की बात करें तो हम उसमें जो है एक सेटअप पूरा डालते हैं कि कौन सा सिग्नल अगर आपको मिलेगा तो किस तरीके से आपने परफॉर्म करना है रोबोट्स के अंदर हम एक प्रॉपर एक फिक्स सिस्टम डालते हैं तो वो उसी तरीके से परफॉर्म करता है सेम इसी तरीके से अगर हम लैंग्वेज एनिमल्स की बात करें तो उसमें भी हमें एक फिक्स सिग्नल्स जो है नजर आते हैं कि वो अपने पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वो एक अपने विक्स सिग्नल को वर्कर बी एक्साम्पल ठीक है अब इसमें अगर हम देखें जिस तरीके से हमने ऊपर बात की जैसे ह्यूमन बींग्स जो है एक ही बात को लेने के लिए वो डिफरेंट सिग्नल्स को या फिर डिफरेंट uh, वेज निकाल सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए लेकिन जो uh, एनिमल्स हैं या डिफरेंट क्रिएचर्स हैं वो नहीं हुआ बना सकती वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती न्यू सिग्नल्स को कि वो किसी भी सिचुएशन को जो है डिस्क्राइब कर सकें डिफरेंट वे के थ्रू इस हमारी बुक के अंदर जॉर्जियल की जो बुक है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज उसमें उन्होंने जो है बेस्ट एग्जाम्पल बढ़कर बी की दी हुई है आप उस एग्जाम्पल को जरूर देखिएगा तो आपको और ज्यादा इसमें क्लियरिटी मिल जाएगी नेक्स्ट प्रोपर्टी अगर हम बात करें कल्चरल ट्रांसमिशन इन ह्यूमन कल्चर ट्रांसमिशन क्या होता है कल्चर से है आप देख लें कि एक चीज जो है कल्चर से ट्रांसमिट हो रही है वहां पर हम देखते हैं ह्यूमन इनहेरिट फिजिकल फीचर्स फ्रॉम दे पेरेंट बट नॉट लैंग्वेज ह्यूमन जो है फिजिकल फीचर्स तो जो है अपने लैंग्वेज जो अपने पेरेंट्स हैं वो अडॉप्ट करता है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चलते हैं लेकिन अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो है हमारी इनहेरिट नहीं होती फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस ठीक है सो उसमें हम देखते हैं कि अगर एक जो न्यू बॉर्न बेबी है वो अगर पाकिस्तानी एरिया के अंदर या फिर एक मुस्लिम आ, मुस्लिम पाकिस्तानी फैमिली है जो कि अगर पाकिस्तान के अंदर रह रही है तो जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो अपने कल्चर के हिसाब से देख के अपनी लैंग्वेज को अडॉप्ट करेगा वो मोस्टली कौन सी लैंग्वेज बोलेगा उर्दू बोलेगा जो भी उसके कल्चर में जो है लैंग्वेज बोली जा रही होगी सिंधी पंजाबी उर्दू वो उन लैंग्वेज को अडॉप्ट करेगा लेकिन वही पाकिस्तानी फैमिली या फिर मुस्लिम फैमिली अगर जो है यूएस में हो ऑस्ट्रेलिया में हो तो वो उसी वही लैंग्वेज अडॉप्ट करेगा जो वहाँ के कल्चर में मौजूद होगी ठीक है अब वहाँ पर उसका रिलीजन रहेगा बल्कि वहाँ का जो उसका कल्चर देखा जाएगा उस हिसाब से जो है लैंग्वेज जो है न्यू बॉर्न बेबी अडॉप्ट करेगा कि उसके कल्चर में जो है कौन सी जो है लैंग्वेज ज्यादातर इन है तो वही लैंग्वेज एक न्यू बॉर्न बेबी अडॉप्ट करेगा ठीक है वी अक्वायर लैंग्वेज इन कल्चर विद अदर स्पीकर्स नॉट फ्रॉम पैरेंटल जीन्स कल्चर ट्रांसमिशन क्या है द प्रोसेस वेयर लैंग्वेज इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड कल्चरल ट्रांसमिशन के एक जो है लैंग्वेज जो है पास होती है वन जनरेशन टू नेक्स्ट वो कल्चर के अंदर कम्युनिटी के अंदर रहते हुए हम जो है अगर हम देखें आ, तो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है एज अ चिल्ड्रन वो क्या है कल्चर है वो हम कल्चर के थ्रू जो है हम अपने फर्स्ट लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम ह्यूमन uh, बींग के पास ही क्वालिटी होती है कि वो जो है लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकता है लेकिन उसके पास ये आ, इस ये नहीं होता कि वो जो है जब न्यू बॉर्न बेबी है वो एक फ्रेंडली वे के अंदर जो है किसी भी लैंग्वेज को जो है बोलना शुरू कर देगा बल्कि उसको जो है डेवलपमेंट uh, स्टेज़ uh, के थ्रू जो है वो एक अपनी लैंग्वेज को प्रॉपर वे के अंदर सीखता है ठीक है कल्चर ट्रांसमिशन अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें एनिमल्स आर बोर्न विद सेट ऑफ स्पेसिफिक सिग्नल्स दैट आर प्रोड्यूस तो अगर हम देखें तो एनिमल्स जो है उनके पास स्पेसिफिक सिग्नल्स होते हैं जो कि वो किसी भी सिचुएशन में जो है वही स्पेसिफिक सिग्नल्स को यूज करते हैं उनके पास कोई भी कल्चरल ट्रांसमिशन नहीं होती है ह्यूमन इन्फ्लुस अगर हम देखें वो एक आइसोलेशन में अगर ग्रो कर रहा है तो वो कोई भी जो है लैंग्वेज को प्रॉपरली नहीं बोल पाएगा ठीक है अगर हम एक ह्यूमन बींग को एक बिल्कुल एक ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पे कोई लैंग्वेज ह्यूमन बींगस नहीं है दूसरे या कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि वहाँ पर लैंग्वेज यूज करने वाला हो तो वो ह्यूमन बींग जो है वो इन्फेंट जो है एक नहीं सीख पाएगा लैंग्वेज को कि किस तरीके से वर्ड्स को बोला जाता है वो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा सो so इससे हमें पता चला है कि जो कल्चरल ट्रांसमिशन है वो इसमें बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है लैंग्वेज के अंदर कि वो जो है किसी भी लैंग्वेज स्पेसिफिक लैंग्वेज जो है सीखने के लिए क्वेश्चन ऑफ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज इज क्रशल इन द ह्यूमन लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे पास जो है कल्चरल तो ट्रांसमिशन जो है मेन रोल प्ले करता है ठीक है ड्यूअलिटी हमारी जो सेक्ट पाइस प्रॉपर्टी है ड्यूअलिटी डबल एर्टिक्युलेशन इन ह्यूमन रियोलिटी की अगर हम बातें कि एक ही चीज़ को हम डिफरेंट वे से जो है यूज कर सकें इन स्पीच प्रोडक्शन के अंदर अगर हम देखें तो ये एक फिजिकल लेवल में अगर हम देखें इंडिविजुअल डिस्क्रीट साउंडस जो है इंडिविजअल्स का कर सकते हैं साउंडस को जो है अलग अलग कर सकते हैं जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है ग ड ओ ये हमारे पास डिफरेंट साउंडस हैं जो कि अलग होके हमें कोई भी जो है सेंस नहीं दे रहे हैं ठीक है ठीके? कोई भी हमें मीनिंग नहीं दे रहे हैं लेकिन उसके दूसरे लेवल पर अगर हम देखें जब इन्हीं साउंडस को हम आपस में कंबाइन कर देते हैं डिफरेंट वे के थ्रू तो हमें ये डिफरेंट मीनिंग्स प्रोवाइड करते हैं जैसे गॉड हो गया एंड डॉग हो गया अब हमने इन साउंड को आपस में मिलाया तो हमें ये डिफरेंट मीनिंग्स दे रहे हैं

तो ड्लिटी जो है एक फिजिकल जो प्रॉपर्टी है ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर जिसके अंदर वो यूज़ डिफरेंट साउंड्स को जो है बहुत सारे एक ही वर्ड से बहुत सारे जो है साउंड्स को अलग कर सकता है वो न्यू साउंड्स बना सकता है और उसमें जो है वो बहुत सारे साउंड्स को मिला के जो है न्यू वर्ड्स भी बना सकता है ये भी ह्यूमन प्रॉपर्टीज़ हैं डुलेटी को अगर हम एनिमल्स uh, के अंदर अगर हम देखें तो जिस तरीके से ऊपर हमने बात की प्रोडक्टिविटी उसमें नहीं है तो सेम इसी तरीके से एनिमल्स का जो कम्युनिकेटिव सिग्नल्स होता है वो फिक्स होता है और उनके जो है uh, जो वॉइस uh, होते हैं या फिर उनके जो साउंड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते इन द ठीक uh, है उसका जो मियां है वो ही रहेगा मियांबल नहीं है कि वो अपने sounds को अलग-अलग तोड़ सके ठीक है तो उसके बाद ये हमारी कुछ टाइप्स थी जो हमने देखी प्रॉपर्टीज थी ह्यूमन लैंग्वेज की उसके बाद अगर हम देखें भी है हमारे चैप्टर के अंदर जिस हमने वो सारी प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू ह्यूमन एंड अकॉर्डिंग टू जो एनिमल्स हैं उनके साथ देखिए कि किस तरीके से जो है वो प्रॉपर्टीज uh, ह्यूमन है एनिमल्स के कम्युनिकेशन से अलग कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हम इसमें देखते हैं कैन एनिमल अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेजेस एनिमल हमारे लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं अंडर द दैट एनिमल्स फॉलो वॉट इज बिंग सेड हॉर्स एनिमल्स ठीक है तो हम uh, वो किस सेंस में हमने देखना है पैट्स होते हैं हमारे या फिर हम सर्कस एनिमल्स जो यूज़ करते हैं तो हम उनको जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो उस पर अमल करते हैं तो क्या इस वे uh, से हम ये uh, समझ सकते हैं क्या जो ह्यूमन लैंग्वेज जो है हमारे एनिमल्स वो समझ सक रहे हैं इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस दिस एन एविडेंस दैट नॉन ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज ठीक है तो ये पैट्स की एग्जाम्पल को देख के ही आपसे uh, जो है क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या नॉन ह्यूमन जो है वो भी जो है हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैन स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन इज दट द एनिमल प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर बिहेवियर इन रिस्पांस टू अ पर्टिकुलर साउंड स्टिमुलस और नॉइज बट डोजेंट एक्चुअली अंडरस्टैंड बाउट द वर्ड तो यहां पर अगर हम देखें इसके जो हमें आंसर मिलता है वो क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक जो हमारे जो action, जो एक्शन हमारा साउंड्स होते हैं उनके थ्रू जो है एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वो बिहेवियर अपना जो है देते हैं उनको हम अगर हम उनको कह रहे हैं कि ये उठा के लाएं या हम कोई भी एक्शन उनको करने का कह रहे हैं तो वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ रहे होते हैं बल्कि वो हमारे एक्शंस को देखते हुए वो उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है उसकी मीनिंग्स को देख सकता है ठीक है हम मीनिंग्स के थ्रू अपनी लैंग्वेज को समझते हैं लेकिन एनिमल्स जो है वो उन मीनिंग्स के ऊपर नहीं जाता बल्कि वो जो है एक साउंड्स uh, को लेते हुए स्टिमुलस रिएक्शन uh, देता है कि हमारा जो साउंड है वो किस तरीके से जो है uh, बिहेव कर रहा है ताकि वो अपना जो है रिस्पॉन्स उसी वे में हमें मिलता है कैन एनिमल कैन एनिमल ऑफ वन स्पीशीज लर्न टू प्रोड्यूस द सिग्नल्स ऑफ अनदर स्पीशीज हॉर्स इज सॉल्व फॉर पीस बेबी तो इसमें हमसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि एक स्पीशीज़ के जो एनिमल्स हैं वो दूसरी स्पीशीज़ के जो है सिग्नल्स uh, को समझ सकते हैं या फिर नहीं तो ये सारी चीज़ें भी हमारे जो है चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई हैं उसमें हमने देखा कि जो एनिमल्स हैं uh, उन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम देखेंगे कि उनके पास रियलिटी नहीं है उनके पास प्रोडक्टिविटी नहीं है उनके पास फिक्स सिग्नल्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू ही जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं लेकिन वो इस अवेबल नहीं होते कि वो एक सिग्नल्स को यूज़ करते वे डिफरेंट सिग्नल्स प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है? इस चैप्टर के अंदर हमें डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी गई हैं, कि जिसके अंदर हमने देखे कि काफी सारे जो है, जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर ताकि देख सकें कि क्या जिस तरीके से ह्यूमन जो है अपनी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए लैंग्वेज जो है कम्युनिकेट कर रहा है क्या इसी तरीके से जो है दूसरे एनिमल्स भी जो है कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं सम रिसर्चर्स डिवोटेड देयर टाइम टू टीच चम्पेंस हाउ टू यूज ह्यूमन लैंग्वेज नॉट सक्सेसफुल ठीक है तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने जो है चम्पिन के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स किए कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को जो है यूज़ करें लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हुए क्योंकि जो ये एक ये सिर्फ ह्यूमन क्वालिटीज़ ही है ह्यूमन प्रॉपर्टीज ही हैं क्योंकि वो ही जो है प्रॉपर्टी जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं लैंग्वेज को बट नॉट एनिमल्स उसके बाद हमें यहाँ पर हमारी बुक के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं एंड विंथ्रॉप के लॉग ये जो है चिमपेन्सिस के नाम है जिस जिन्होंने इन इन लोगों ने जो है वर्क किया था चम्पेन्सी के ऊपर और इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे ताकि वो देख सकें कि ह्यूमन लैंग्वेज को यूज़ करते वो कम, जो लैंग्वेज अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं रेज एंड इन्फेंट विद चम्पेन्दर बेबी सन तो ये इन ये जो एक कपल था इन्होंने जो है नाइनटीन थर्टी में एक्सपेरिमेंट किया था एक चिमपेन्सी गोवा को लेकर अपने बेबी सन के साथ इन्होंने जो है इसको रेज किया था तो गोवा वॉज एबल टू अंडरस्टैंड हंड्रेड वर्ड्स बट डिडेंट प्रोड्यूस एनी तो वो वो उन हंड्रेड वर्ड्स को सिर्फ वो हंड्रेड वर्ड्स सीख पाया था एक उस पूरे टाइम पीरियड में लेकिन उनमें से वो कोई भी एक प्रोड्यूस नहीं कर पाया था वो सिर्फ समझ पाया था जैसे ह्यूमन जो पेट्स होते हैं हम भी उनको किसी कोई एक्शन सिखा देते हैं तो वो उन चीजों को समझ आते हैं लेकिन वो कैपेबल नहीं होते कि वो उस चीज को प्रोड्यूस कर सके उसके बाद अगर हम देखें

को एबल हुई प्रोड्यूस करने के लिए और वो भी थ्रू द शेप्स ठीक है माउथ की जो शेप को देखते हुए वो एपकेपेबेल हो सके इन वर्ड्स को प्रोड्यूस करने में लेकिन वो एक प्रॉपर वे से उन चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पाए दिस वॉज अ रिमार्केबल अचीवमेंट इट हैज़ बिकम क्लीन दैट नॉन ह्यूमन डोंट एक्चुअली हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर वोकल ट्रैक विच इज़ सुइबल फॉर आर्टिकुलेटिंग द साउंडस यूज इन स्पीच इसमें अगर हम देखें जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि ह्यूमन बींग्स के पास जो है कुछ फिजिकल uh, फीचर्स ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि हेल्प करते हैं उनको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए लेकिन uh, जब यहाँ पर हमने देखा कि वो शेप को यूज़ करते हुए वो एक पुअरली आर्टिकुलेटेड वर्षन में जो है वर्ड्स को uh, कैपेबल हो रही है बोलने के लिए एक जब उसपे फाइव ईयर्स तक हमने कोशिश की तो वो कैपेबल हो रही है साउंड प्रोड्यूस करने में तो इससे हमें पता चला कि जो नॉन ह्यूमन के पास जो है उनके पास ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है वोकल ट्रैक नहीं है इसी वजह से वो जो है साउंड्स को आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे जिस तरीके से बट दे बट दे जस्ट कांट मेक ह्यूमन स्पीच साउंड ठीक है like calls, sound, वो वोकल कॉल्स के थ्रू जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं लेकिन वो ह्यूमन बींग की तरह साउंड्स को नहीं प्रोड्यूस uh, कर सकते ठीक है बैट्रिक्स एंड एलन गार्डनर इन्होंने भी जो है एक्सपेरिमेंट किया वो शो एज अ ह्यूमन चाइल्ड इन्होंने वो शोए को इरेज़ किया एज अमन चाइल्ड टॉट हर टू यूज़ ए एस एल लर्न बाई मैन ए डीफ चिल्ड्रन एज ययर नेचुरल फर्स्ट लैंग्वेज तो इन्होंने जो डीफ चिल्ड्रन के को जो लैंग्वेज सिखाई जाती है वही जो है प्रोसीजर इन्होंने यूज़ किया व शोए को ताकि वीज़ से अपनी लैंग्वेज को जो है अडॉप्ट कर सके साइन लैंग्वेज वॉज ऑलवेज यूज वैन इज अराउंड शी वज इंक्रेज टू यूज़ साइंस तो फिर उसके उसको जो है किस तरीके से सिखाया गया उसको साइंस लैंग्वेज के थ्रू जो है सिखाया गया और जब भी जो है उसको कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट साइंस थी कि अगर उससे कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो वो साइंस को यूज़ करेगी इन थ्री एंड हाफ ईयर शी केम टू यूज साइन फॉर मोर देन हंड्रेड वर्ड्स तो वो इन सालों के अंदर वो जो है हंड्रेड वर्ड्स के लिए डिफरेंट साइंस जो है यूज करना सीख गई थी बेबी बनाना विंडो वोमेन इन सब के लिए वो साइंस को यूज करना सीख गई थी वॉज एबल टू कम्बाइन फॉर्म टू प्रोड्यूस सेंटेंसिस मोर फ्रूट ऑपन फ्रूड ड्रिंक्स तो ये भी जो है कैपेबल हो गई थी वो इस बबल के डिफ्रेंट साउंडस को जो है प्रोड्यूस कर सके डिफरेंट सेंटेंसिस को फ्रूट्स के लिए अगर उसने जो है ज्यादा उसको चीज चाहिए तो जो साइन उसको मोर के लिए सिखाया गया था तो वो उन चीजों को मिक्स करके जो है कैपेबल हो गई थी प्रोड्यूस करने के लिए सेंटेंस

और वो इसकेबल भी हो पाती है कि वो जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को भी जो है अंडरस्टैंड कर इफ सारा पुट रेड ऑन ग्रीन मेरी गिफ्ट सारा चॉकलेट तो ये जो है डिफरेंट जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो थे वो भी कैपेबल हो पाई थी सारा इस चीज को समझने के लिए डोना रंबक ट्रेंड लाना यूजिंग समिलर ट्रेनिंग टेक्निक आर्टिफिशियल लैंगवेजेड ऑफ ए सेट ऑफ सिम्ब्सन अर्ज की बोर्ड लिंक टू अर कम्प्यूटर यर किश जो है सिम्बल्स लैंग्वेज थी जो कि की बोर्ड के, के थ्रू जो है लिंक थी एक बड़े कंप्यूटर के ऊपर फॉर वॉटर प्लस फोर सिम्बल इन द करेक्ट सिक्वेंस प्लीज मशीन गिव वाटर तो उसने जो है सिम्बल्स के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रो जो है उसने लैंग्वेज को सिखाया बहुत सारा ला डिमॉन्स एन एबिलिटी टू यूज वर्ड सिम्बल तो सारा और लाना अगर हम दिखे तो इन इनके एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि वो एबिलिटी उनके पास ही एबिलिटी है कि वो जो है डिफरेंट वर्ड्स को सिम्बल्स को यूज करके जो है बेसिक स्ट्रक्चर बना रही थी ठीक है तो ये हमारा जो है कम्प्लीट चैप्टर था एनिमल्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज उसमें हमने प्रॉपर्टीज देखी ह्यूमन लैंग्वेज की और इसके साथ साथ हमने जो इन प्रॉपर्टीज को एनिमल्स के थ्रू भी जो है देखा कि वो जो है अपने इन कम्युनिकेशन के अंदर इन प्रॉपर्टीज को किस तरीके से यूज कर रहे हैं सो so, हमारे कंप्लीट चैप्टर था अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इस बुक का वो है द साउंड ऑफ लैंग्वेज ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे